ईश्वर की उपासना के लिए तीन बात होती है। एक तो प्रतिकृति बनाते हैं, प्रतिकृति है, प्रतिकृति प्रतिमा मूर्ति, जैसे गोल गोल शालग्राम बना रहे हो, लंबा लंबा शिवलिंग बना रहे हो, तो इसका क्या अर्थ है कि बीज के जो बिंदु हैं वो गोल गोल होते हैं। तो जैसे एक पुरुष के शरीर में से जो बीज के बिंदु निकलते हैं, या जो अंडाकार ब्रह्मांड है, वैसे ही है परमेश्वर। तो गोल गोल परमेश्वर की पूजा करके उसकी याद करते हैं। कभी कभी तो ऐसे करते हैं कि शालग्राम शिला है, इसमें विष्णु भगवान बैठे हैं, विष्णु भगवान जगत के कारण हैं और वो अंतर्यामी परमेश्वर हैं। तो पहले मिला शालग्राम, फिर मिले विष्णु भगवान, फिर मिला अंतर्यामी परमेश्वर। बोले भाई क ख ग, उर्दू में शकल दूसरी, फारसी में दूसरी, अरबी में दूसरी, हिंदी में दूसरी, चाइना में दूसरी, रशियन में दूसरी और लैटिन में दूसरी, परंतु क ख, बोले क ख अक्षर एक है और सकल सूरत अलग अलग है। ऐसे ही भगवान की सकल सूरत बीज की प्रधानता से शालग्राम और शिवलिंग हो, निमित्त कारण की प्रधानता से शिवलिंग। ये सृष्टि के मूल में ऐसा परमेश्वर है, उसको समझने के लिए प्रतिमा बनाते हैं, प्रतिकृति बनाते हैं और उसको देख करके परमेश्वर की याद करते हैं। अब महाराज मुसलमान ने कहा बुत परस्ती है, आज समाजी ने कहा वैदिक है। अरे बाबा ईश्वर के भी कहीं सकल सूरत होती है? बोले नहीं भाई, इस सकल सूरत को देख करके हमें ईश्वर की याद आती है, हम उसकी पूजा करते हैं। इसको प्रतिमा बोलते हैं, प्रतिकृति बोलते हैं, इसको अन्यवती बोलते हैं, अन्यवती उपासना बोलते हैं शास्त्र उपनिषदों में, ब्राह्मणों में, आरण्यकों में बड़ा भारी उपासना का वर्णन है। अब हम आप लोगों से पंडिताई की बात क्या करें, शायरी मर गई, अब जिंदा न होगी यारो, याद कर कर के उसे दिल न कुढ़ाना हर गई। एक उपासना होती है अंगवती, जैसे एक आदमी अपने गुरु जी का पांव दबा रहा है, तो किसी ने कहा गुरु जी की सेवा कर रहा है। बोले बाबा गुरु जी तो 3.5 हाथ के हैं और ये तो सिर्फ पांव दबा रहा है, तो ये गुरु जी की सेवा कैसे हुई? गुरु जी की सेवा नहीं हुई, ये तो गुरु जी के एक हिस्से पांव की सेवा हुई, जिसको अंगवती बोलते हैं। तो देखो ये बेटा अपने बाप को पकड़ के चल रहा है। अरे झूठ बोलते हो, बाप तो कहाँ पकड़े हुए, वो तो उंगली पकड़े हुए है। तो उंगली को पकड़ना भी बाप को पकड़ना होता है, पांव दबाना भी पूरे गुरु जी की सेवा होती है। ऐसे जब सर्व रूप ईश्वर है ना, वही माटी, वही पानी, वही आग, वही हवा, वही आसमान, तो कहीं भी वही स्त्री, वही पुरुष, वही बेटा, वही बेटी, तुम स्त्री तुम कुमारसी, तुम कुमार हो तो कुमारी। बंगाल में रिवाज है, हो एक बरस की लड़की होती है तो उस देवी का नाम ये है, उसकी पूजा। 2 बरस की बेटी हुई तो उसका ये देवी नाम है, उसकी पूजा। 3 बरस की, हम गुवाहाटी गए तो हमने कहा हम जरा कुमारी पूजा देखेंगे यहाँ, तो महाराज 8-8, 10-10 बरस की लड़कियाँ इकट्ठी हो गई और पांव फैला फैला के आसन पर बैठ गई। लो हमारा चरणामृत, लो हमारा चरणामृत। कोई माँ के रूप में ईश्वर की पूजा करता है, कोई बाप के रूप में करता है। देखो परमहंस रामकृष्ण देवी के लिए सिंहासन लगा के बैठे, माँ दर्शन दो, माँ मैं तुम्हारे लिए व्याकुल हूँ, है ना? तो उनकी पत्नी ही आके सिंहासन पर बैठ गईं, आ मेरी पूजा करो। तो उन्होंने शारदा देवी का ही परमेश्वर के रूप में, माँ के रूप में पूजन किया। स्त्री ईश्वर नहीं है, पुरुष ईश्वर नहीं है, क्या बेटा ईश्वर नहीं है, बेटी नहीं है, क्या पेड़ नहीं है, पौधा नहीं है, गाय नहीं है, समुद्र नहीं है,
जब सब परमेश्वर का रूप है तो कहीं किसी रूप में परमेश्वर की पूजा करना ये परमेश्वर की ही पूजा होती है। इसको अंगवती बोलते हैं, हो अंगवती उपासना, एक अंग की पूजा करना और सर्वांग की पूजा मानना। और एक होती है सत्यवती पूजा, अन्यवती, अंगवती, सत्यवती है। ये ब्राह्मण आरण्य ग्रंथों में इस ढंग से उपासनाओं का वर्गीकरण है। सत्यवती पूजा क्या होती है? अरे बाबा वो मत बताओ, वो आत्म पूजा है। हम जो खाते हैं वो हमको भोग लगता है, वो अपने मुंह में डालते हैं भोजन, और हमारे आत्मा के रूप में बैठा हुआ जो परमात्मा है उसकी पूजा होती है। सत्य परमात्मा आत्मरूप है, सत्य परमात्मा। हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा चलना, यद यद कर्म करो तत् अखिला, सब परमात्मा का स्वरूप, सब परमात्मा का स्वरूप है। आत्मरूप से पूजा जो है, देखो हमारा चेला हमको हमारी पूजा करता है, चंदन लगाता है, माला पहनाता है, तो उसकी नजर अच्छी है और हमारी गलत है, हमारी खराब है। वो तो हमको ईश्वर के रूप में देख ले और हम अपने को ईश्वर के रूप में न देख सके, ये कोई बात हुई है? ये कोई बात हुई कि हमारा चेला तो हमको ईश्वर के रूप में देखे? परमहंस रामकृष्ण के जीवन में आया है वो, स्वामी विवेकानंद का पहले नाम था नरेंद्र, बड़ी आसक्ति थी परमहंस जी की नरेंद्र के प्रति। रात रात को वो नींद छोड़ के चिल्लाते थे, नरेंद्र नरेंद्र, गंगा जी में जाके खड़े हो जाते, रात को जागते आंख में आंसू आता, व्याकुल होते, नरेंद्र नरेंद्र। एक दिन नरेंद्र जी आए और बोले, परमहंस जी जैसे राजा भरत हरिन के बच्चे पर आसक्त हो गए तो उनका दूसरा जन्म हरिन का हुआ, वैसे कहीं आप हमारे ऊपर आसक्त हो जाएं और आपको भी अगला जन्म लेना पड़े तो कितना बुरा होगा। परमहंस जी ने कहा कि देखो बेटा, तुम तो हमको मानते हो परमेश्वर भावना से, विश्वास से, संकल्प से, कल्पना से, तुम हमको परमेश्वर मानते हो, और मैं तुमको परमेश्वर मानता हूँ अपने अनुभव से, साक्षात्कार से, कि तुम साक्षात परमेश्वर के स्वरूप हो। जो मैं हूँ सो तुम हो, जो तुम हो सो मैं हूँ। ये आत्मरूप से परमेश्वर की उपासना है। ओम नमो नारायण।